हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर के। सो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि मैं अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर के आ रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपने सारे ही बर्तन चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे अपने तवा को भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं हार्ड एनोडाइज्ड और नॉन स्टिक के तवे यूज़ करती थी, अब मैं कास्ट आयरन की तरफ स्विच कर रही हूँ। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक तवा ऑर्डर किया जिसे मैं थोड़े दिन से यूज कर रही हूँ। मैं इसका आपके साथ अनबॉक्सिंग नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा ना कि तवा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि इस पर ना आप डोसा चिल्ला ऐसी कोई चीज़ बनाते हो ना तो बहुत स्टिक करता है, और मैंने अगर रिव्यू मतलब प्रॉपर यूज़ करके नहीं दिया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसा है। बिना टाइम इसके स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपके साथ जो आज तवा शेयर करना चाहूँगी कास्ट आयरन का है, और मैंने यहाँ पे रॉक ब्रांड का, यहाँ पे इतना ह्यूज साइज़ का आपको तवा दिख रहा है, काफ़ी हैवी है, मैंने मंगाया हुआ है, ब्रांड रॉक से है। मैंने ये डोसा तवा अभी तो फिलहाल ऑर्डर किया है, और फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ और भी तवा ऑर्डर करूँ, बट फिलहाल अभी मैंने ये मंगाया है। बट स्टिल मैं इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इम्प्रेस हूँ। एक तो इसका साइज़ आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा साइज़ है, और साइज़ वगैरह मैं यहाँ स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, मैं भूल गई हूँ मैंने कौन से साइज़ का यहाँ पर ऑर्डर किया था। मैं जब इसे मंगाया मैंने, फिर मैंने इसे बस नॉर्मल लिक्विड सोप जो होता है हमारे घर पे उससे क्लीन कर दिया, और एक बार ऑयल लगा करके छोड़ दिया था, मतलब उसे अच्छा सा स्मोक कर दिया, फिर मैंने देन उसके ऊपर कुकिंग स्टार्ट कर दी थी वापस से क्लीन करके। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप चाहो तो करो, वरना नॉर्मल किसी भी क्लीनर के साथ उसे क्लीन करके देन यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आपको देख के समझ में आ भी रहा होगा कि ये काफ़ी यूज्ड है, क्योंकि साइड पे आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से ये निशान जो है वो दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इवन अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इसमें कुछ घंटे पहले मैंने इस पर चिल्ला बनाया था। काफ़ी बढ़िया, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बट नॉन स्टिक से ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बढ़िया। एक तो टेक्स्चर जो होता है ना डोसे का, वो नॉन स्टिक का और इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्स्चर वगैरह की। तो आपको इसका टेक्स्चर ना बहुत स्मूथ, नहीं बोलूँगी मैं कि बहुत स्मूथ है, वैसा नहीं, आपको ऐसी आवाज़ आ रही है ना, हल्की सी इसमें आवाज़ आती है, और बहुत चिकना सा नहीं है, थोड़ा सा रफ है, बहुत स्लाइट सा, मैं बोलूँगी बहुत स्लाइट सा, जो कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उस तरीके का है और काफ़ी ह्यूज है, तो आप बिग साइज़ का और डोसा बना सकते हो, घर पे ही बोल दूँगी। और इसके दोनों ही साइड पे इस तरीके के हैंडल्स बने हुए हैं, ये गर्म हो जाता है। तो मुझे एक जो इसमें लगा कि यहाँ पे उन्हें सिलिकॉन या वुडन या किसी भी चीज़ का यहाँ पे ना उन्हें देना चाहिए था ग्रिप की जगह पे, तो वो हीट नहीं होता। वैसे तो इतना बड़ा है कि आप ऐसे भी इसे उठा नहीं सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से होना चाहिए। यहाँ पे आपको ब्रांड की ब्रांडिंग मिल जाती है, रॉक और ब्रांड की है तो ब्रांडिंग मिल जाती है। देन बैक साइड की अगर हम बात करें तो देखो इस तरीके से यूज़ करने की वजह से कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये रस्ट नहीं है। इस तरीके से ये हो गया है, क्योंकि इसे ना अभी मैंने क्लीन करने के बाद इस पर ऑयल लगा के नहीं रखा था। अभी मैं इस पर क्या करना होता है कि क्लीन करने के बाद ऑयल लगा करके इसे रख देना होता है, और ज़्यादा कुछ केयर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी बढ़िया है, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ इस तवे के साथ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, और अगर आपको मेरे कंटेंट या मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको यहाँ पे इस पे बनाने मैंने डोसा बनाया है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि इस पे डोसा किस तरीके का और कितना बढ़िया बना है। जब तक ये तवा मेरे पास नहीं था ना, तब तक तो शायद ही मैं इमेजिन भी कर पाती कि घर पे इतना क्रिस्पी डोसा भी बन सकता है, क्योंकि नॉनस्टिक पे डोसा तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन जो क्रिस्प इस डोसे तवे पे आता है ना, वो नॉनस्टिक में कभी नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे इंजॉय जो मैं कर रही हूँ वो क्रिस्पी डोसे का कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी डोसा इसमें बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं वीडियो में मैंने इसे यूज़ किया और मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ कैसे हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।